दोनों मैगजीन को देखेंगे, जैसे कि हम लोग नवंबर में मंथ में भी देखे थे, एक करंट की थी और एक स्टैटिक पोर्शन थी। तो दोनों मैगजीन को मैं यहाँ पे साइमल्टेनियस तरीके से आप लोग की कवर करा दूंगी। तो पहले हम लोग यहाँ पे करंट अफेयर्स की स्टार्ट करते हैं, ये करंट सेक्शन की है, और इन दोनों की PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगी, आप लोग वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना और उसके बाद अपने रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको रखना। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक के साथ, क्योंकि फर्स्ट टॉपिक यही है। और मेरे आंसर देने से पहले आप लोग अपने आंसर को ज़रूर टिक कीजिएगा और बाकी हम लोग देखते हैं, ठीक है। प्रीवियस मंथ की भी आपको देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लेलिस्ट में आकर आप लोग स्टार्टिंग से देख सकते हो। फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं इकोनॉमिक के लेसन के साथ। के अंदर में नहीं आते तो ये गलत है, ये रेगुलेटरी एबिट के अंदर आते हैं। अगर हम लोग कॉपरेटिव बैंक जो है तो हमारे और बैंकिंग। अब आते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो करेक्ट बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो इंडिया की इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो यहाँ पे रिसेंट टाइम में हम लोग देखें कि थोड़ा कम हो गया, क्योंकि बहुत ही कम हम लोग को ऑफ टेक देखने को मिल रहा है इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट से। सेकेंड है कि जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे 8 कोर इंडस्ट्री की पार्ट है, तो यहाँ पर आपको करेक्ट बतानी है, फर्स्ट ओनली, सेकेंड ओनली, बोथ या फिर नन। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है सी, इट मीन्स कि दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है। 8 कोर इंडस्ट्रीज़ के बारे में आप लोग को मैं बताती हूँ, साथ ही यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी की जो डिमांड है वो बहुत ही कम होते जा रही है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा रिडक्शन देखने को मिल रहा है जो इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट से, यानी कि इंडिया की जो इलेक्ट्रिसिटी डिमांड है वो 30 से इंडस्ट्रियलाइज्ड स्टेट जैसे गुजरात और महाराष्ट्र करें, तो यहाँ पे 8 जो मेन इंडस्ट्री है हमारे कंट्री में वो है इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, रिफाइनरी प्रोडक्ट, उसके बाद क्रूड ऑयल, कोल, सीमेंट, नेचुरल गैस और फर्टिलाइज़र। ये आपको 8ों के बारे में याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये हमारे यहाँ की इंडस्ट्री है। ओके, अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन नंबर में। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट, फर्स्ट स्टेटमेंट है कि यहाँ पे आप लोगों को कहा जा रहा है कि टू इंश्योर हर सप्लाई ऑफ ओन ईयर, खरीफ में, लेट खरीफ में और रबी में, तो अन इंटरप्टेड साइकिल को, यानी कि अन इंटरप्टेड यानी कि जो ओनियन की सप्लाई है वो रुके नहीं पूरे साल तक, तो जो क्रॉप होती है यानी कि जो ओनियन की क्रॉप होती है वो 3 साइकिल्स में उगाई जाती है, खरीफ में भी, खरीफ के बाद यानी कि लेट खरीफ, और रबी सीज़न में भी, तो 3 सीज़न में उगाई जाती है ताकि इसकी जो सप्लाई है वो कभी ख़त्म नहीं हो पूरे साल। सेकेंड है कि खरीफ और जो लेट खरीफ ओनियन क्रॉप्स है इसमें लार्ज मॉइस्चर कंटेंट होते हैं अगर हम लोग रवि क्रॉप के कंपैरिजन में देखें। थर्ड है कि कर्नाटक जो है वो लार्जेस्ट यहाँ पे आपकी ओनियन ग्रोइंग स्टेट है, तो यहाँ पे आपको करेक्ट बताना, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि प्याज के दाम कितने महंगे, अभी भी उतने ज़्यादा सस्ते नहीं हुए हैं जैसे कि नॉर्मल रेट में नहीं आए, लेकिन हाँ पहले से थोड़ा सा रिड्यूस हो चुका है। यहाँ पे आपको सेकंड करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है, सेकंड एंड थर्ड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन सी है। सो करेक्ट स्टेटमेंट है यहाँ पे सी, क्योंकि हमारी थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कर्नाटक में इतना ज़्यादा ओनियन नहीं होता है। ओके, सॉरी, महाराष्ट्र में इंडिया की सबसे ज़्यादा ओनियन ग्रोइंग स्टेट है। तो यहाँ पे अगर हम लोग ओनियन की सीज़न होती है वो 3 है, खरीफ है, रबी की बात करें तो होती है, यानी कि खरीफ हो गई, लेट खरीफ हो गई और साथ ज़्यादा होती है अगर हम लोग इसको रवि क्रॉप के कंपैरिजन में देखें तो। ओके, क्वेश्चन में आते, फर्स्ट इस
लोग को पता है कितना ज़्यादा एनपीए में चल रही है, तो अगर इस तरीके से फॉल हो जाती है, गिर जाती है कोई बैंक जो है, तो करेक्ट है। तो आइए डिटेल में मैं बताती हूँ। जो डिपॉजिट इंश्योरेंस है, ठीक है, का इंश्योरेंस यानी कि जो डिपॉजिट करते हैं अपने मनी को बैंक में, तो उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया जाता है। साथ प्रीमियम पे करती है, यानी कि 0.001% जो है डिपॉजिटर की पे की जाती है डीआई। तो क्या होता है डिपॉजिटर की मनी अगर यहाँ पे बैंक फेल हो जाए, तो अगर यहाँ पे बैंक लिक्विडेटेड है, जो यहाँ पे वन वो लिमिट किया गया है, और इसमें दोनों है यानी कि प्रिंसिपल इंटरेस्ट ड्यूज़ को भी यहाँ पे आपका रखा गया है, जो भी आपके सेविंग बैंक अकाउंट है, फिक्स डिपॉजिट है या फिर रिकरिंग डिपॉजिट है, किसी भी तरीके का डिपॉजिट है, तो उसमें आपको 1 लाख इंश्योरेंस लिमिट रखा गया है। जो कॉरपोरेशन है वो सारी चीज़ों को कवर करती है, यानी कि कमर्शियल हो, बात ही डीआईसीजीसी में देखें, अगर हम लोग यहाँ पे डिपॉजिट को इंक्लूड नहीं किया गया, जैसे कि फॉरेन गवर्नमेंट की डिपॉजिट को नहीं इंक्लूड किया जाता है, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की डिपॉजिट नहीं होती, इंटर बैंक डिपॉजिट नहीं होती है, और स्टेट लैंड डेवलपमेंट बैंक की डिपॉजिट नहीं होती है, अगर ये स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के साथ है, कोई भी अमाउंट अगर आपका कहीं भी आपका कोई भी डिपॉजिट जो अगर बाहर से इंडिया से रिसीव किया जाता है, अगर वो यहाँ पर ड्यू है तो उसको नहीं रखा जाता, कोई भी अमाउंट स्पेसिफिक सीजीसी से रखा बाहर रखा गया तो प्रीवियस अप्रूवल के साथ जो है बाहर रखा गया, तो उसको भी यहाँ पे आपका डीआईसीजीसी के अप्रूवल डिपॉजिट टाइप ऑफ डिपॉजिट के अंदर इसको इंक्लूड नहीं किया जाता है। ओके, अब आते हैं 5th नंबर क्वेश्चन में, जो कि आपकी आरईसी से रिलेटेड है, कि रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट। तो इस पता नहीं है, फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो आपके रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट है ये मार्केट बेस्ड मैकेनिज्म है, जो कि हर एक स्टेट को यहाँ पे हेल्प करती है कि वो अपने रेगुलेटरी जो रिक्वायरमेंट है, जैसे कि रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेटरी है, वो सारे रिक्वायरमेंट को वो मीट कर सके, और जो भी ज्योग्राफिकल कॉन्स्टेंट है यानी प्रॉब्लम है लोकेशन को लेकर, उसको यहाँ पे ओवरकम किया जाएगा, और ये हर एक पोटेंशियल को लेकर जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में है, तो उस तरीके से यहाँ पर किया जाएगा। सेकेंड है कि जो हर यहाँ पर आपकी रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट है वो इन्वायरमेंट बेनिफिट को रिप्रेजेंट करती है, वो भी 1 मेगावाट आवर में, वो भी रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन में। थर्ड है कि जब यहाँ पे कोई भी वन जो परचेज़ करते हैं आरईसी को, तो रिन्यूएबल एनर्जी जो है वो उनके बिहाफ में जनरेट किया जाता है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट बतानी है तीनों स्टेटमेंट से, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकंड एंड थर्ड, और लास्ट स्टेटमेंट है फर्स्ट सेकंड थर्ड। ओके, तो यहाँ पे हमारी सारी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है आरईसी के बारे में। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है, यहाँ पे आप लोग और भी डिटेल पढ़ सकते हो। रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट जो है इसको हम लोग ग्रीन एनर्जी कि रिन्यूएबल सोर्सेज से जो है हम लोग यहाँ पे एनर्जी को, और रिन्यूएबल सोर्सेज क्या होते हैं, सोलर है, विंड एनर्जी है, सर्टिफिकेट प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो अब 6th क्वेश्चन नंबर पे आते हैं, यहाँ पे आपकी जीएसटी काउंसिल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो करेक्ट आपको बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि गुड्स एंड जो सर्विसेज टैक्स काउंसिल है एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जिसमें कि आपका रिकमेंडेशन दिया जाता है यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट को जो भी इश्यूज यहाँ पे जीएसटी टैक्स से रिलेटेड होती है। सेकंड है कि जो जीएसटी काउंसिल है वो यहाँ पे टैक्स रेट, टैक्स एग्जम्पशन, टैक्स लॉस और टैक्स डेडलाइन को डिक्टेट करती है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट बतानी है, फर्स्ट ओनली, सेकंड ओनली, बोथ या फिर नन। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है, इट मींस कि सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, तो जीएसटी टैक्स की बात करें, काउंसिल की बात करें, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है और यहाँ पे रिकमेंडेशन दिया जाता है स्टेट और यूनियन गवर्नमेंट को कि कोई भी अगर तरीके की इशू होती है इससे रिलेटेड तो उसके बारे में। जो जीएसटी काउंसिल है वो यहाँ पे यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा और दूसरे मेंबर्स के द्वारा यहाँ पे चेयर किया जाता है, और दूसरे मेंबर जो होते हैं वो यूनियन स्टेट मिनिस्टर के रेवेन्यू और फाइनेंस और मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन के होते हैं सारे स्टेट के। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं 7th नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे आपको करेक्ट बतानी है और नेशनल हाउसिंग बैंक के बारे में है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो आरबीआई है वो मेजोरिटी शेयर होल्डर है एनएचबी में,
सेकंड है कि एक प्रिंसिपल एजेंसी है जो कि हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को प्रमोट करती है, वो भी दोनों लोकल और रीजनल लेवल पे। थर्ड है कि ये ऑगमेंटेशन ऑफ सप्लाई ऑफ बिल्डेबल लैंड, यानी कि उस तरीके की ज़मीन को ये इनक्रेज करती है जहाँ पे बिल्ड लैंड मीन्स बिल्ड किया जा सकता है, घर वगैरह बनाया जा सकता है, और मटेरियल भी आपकी आ सकती है जो कि हाउसिंग के लिए, यानी कि घर बनाने के मटेरियल भी अवेलेबल हो और लैंड भी अवेलेबल हो। तो इसमें आपको करेक्ट बतानी है फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है सी, क्योंकि यहाँ पे आरबीआई आपकी मेजोरिटी शेयर होल्डर नहीं है एनएचपी में। वहीं अगर हम लोग सेकेंड और थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो ये दोनों करेक्ट है। ओके, तो यहाँ पे हम लोग आंसर देख लेते हैं। आरबीआई की अगर बात करें तो वो अपनी इंटायर स्टेक को नेशनल हाउसिंग बैंक में वो बेच चुकी है, तो गवर्नमेंट अब यहाँ पे 100% स्टेक है, यानी कि गवर्नमेंट के सबसे ज़्यादा है यहाँ पे। एनएचपी की बात करें तो ये ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो कि 1988 में इसका गठन हुआ था, और ये नेशनल हाउसिंग बैंक एक्ट 1987 एक्ट के थ्रू हुआ है। ये एक एपेक्स एजेंसी है जो कि यहाँ पे जितनी भी आपका काम होता है हाउसिंग फाइनेंस करना दोनों लोकल और रीजनल लेवल पे, ये इसको किया जाता है। साथ ही फाइनेंशियल और अदर सपोर्ट यहाँ पे दिया जाता है किसी भी तरीके का, अगर आपको घर वगैरह बनानी है तो हाउसिंग वगैरह। ओके, तो अब आते हैं और यहाँ पे और भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि एनएचपी जो है वो इस्टेब्लिश की जाती है कुछ यहाँ पे अचीव करने के लिए, जैसे कि यहाँ पे साउंड, हेल्दी, वेबल और कॉस्ट इफेक्टिव हाउसिंग फाइनेंस यहाँ पे दिया जाता है, और सारे सेगमेंट ऑफ पॉपुलेशन को यहाँ पे कैटर करने की बात की जा रही है। साथ ही यहाँ पे एक नेटवर्क भी प्रमोट किया जाएगा जो कि हमारे हाउसिंग फाइनेंस इंस्टीट्यूशन को डेडिकेट की जाती है, जिसमें कि बहुत सारे रीजन इंक्लूड है और डिफरेंट इनकम ग्रुप भी इंक्लूड है। साथ ही यहाँ पे आपके रिसोर्सेज को भी ऑगमेंट किया जाता है सारे सेक्टर के लिए, और उनके हाउसिंग के लिए यहाँ पे चैनलाइज किया जाता है। साथ ही यहाँ पे हाउसिंग क्रेडिट भी दी जाती है जो कि बहुत ही अफोर्डेबल होता है। साथ ही यहाँ पे जो आपकी हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज है उनके एक्टिविटीज़ को भी रेगुलेट किया जाता है। साथ ही इंक्रेज़ किया जाता है कि बिल्डेबल लैंड उनको सप्लाई किया जाए। पब्लिक एजेंसी को इंक्रेज़ किया जाता है कि वो यहाँ पे फैसिलिटेटर को इमर्ज करे, और सप्लायर्स को भी कि उनको एक सर्विस लैंड दिया जाए, लैंड दिया जाए, ज़मीन दिया जाए हाउसिंग के लिए। ओके, तो ये सारी क्राइटेरिया है जो कि आपको याद रखना है। अब आते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में। यहाँ पे आपको सीएसए के बारे में बतानी है, करेंसी स्वैप अरेंजमेंट के बारे में। तो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो मेन पर्पस है करेंसी स्वैप का वो ये है कि टर्बुलेंस को अवॉइड करना है, और दूसरे रिस्क जो कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट और एक्सचेंज रेट में होती है। सेकेंड है कि दोनों सेंट्रल बैंक और जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे करेंसी स्वैप में इंगेज होते हैं, वो भी फॉरेन काउंटर पार्ट्स के साथ, जिससे कि वो एडिक्वेट फॉरेन करेंसी को इंश्योर करते हैं जब यहाँ पे फॉरेन करेंसी स्कार्सिटी होती है। तो थर्ड स्टेटमेंट है कि जो करेंसी स्वैप अरेंजमेंट है एग्रीमेंट है वो ऑलवेज बायलेटरल होता है, और यहाँ पे बायलेटरल ट्रेड को प्रमोट किया जाता है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट बतानी है फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड एंड थर्ड और फर्स्ट ऑनली। सो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, सेकंड भी करेक्ट है, लेकिन थर्ड करेक्ट है क्योंकि ये लिखा है यहाँ पे कि करेंसी स्वैप एग्रीमेंट जो है ये ऑलवेज बायलेटरल होती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ऑलवेज बिल्कुल भी नहीं होती है। तो थर्ड स्टेटमेंट को आप एलिमिनेट कर दीजिए तो आप ऐसे भी आंसर तक पहुँच जाइएगा, जो कि करेक्ट आंसर यहाँ पे बी है। ओके, तो करेंसी स्वैप ये जो अरेंजमेंट है ये एक तरीके का अरेंजमेंट है जो कि दो फ्रेंडली कंट्रीज़ के बीच में होता है, और ये काफ़ी रेगुलर होती है जिससे कि ट्रेड बढ़ता है, और ये ट्रेडिंग में जब ये अपने लोकल करेंसी में इन्वॉल्व होते हैं तभी ये बेसिकली इस तरीके की चीज़ करते हैं। साथ ही इस तरीके के एग्रीमेंट में आप देखोगे तो कोई भी थर्ड पार्टी करेंसी इन्वॉल्व नहीं होती है। साथ ही यहाँ पे जो भी ज़रूरत वाली चीज़ है जिससे कि प्रॉब्लम होती है तो इन सारी चीज़ों को यहाँ पे एलिमिनेट किया जाता है। जो मेन पर्पस होता है करेंसी स्वैप का वो बस ये होता है कि ट्रेड में किसी भी तरीके का अगर प्रॉब्लम हो रहा है या फिर फॉरेन एक्सचेंज में अगर किसी भी तरीके की रिस्क है तो उसको यहाँ पे हटाया जाएगा। सेंट्रल बैंक और जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे करेंसी स्वैप में काफ़ी इंगेज होते हैं जितने भी फॉरेन काउंटर पार्ट है, जिससे कि अगर यहाँ पे फॉरेन करेंसी स्कार्सिटी हो, जैसे कि कमी हो जाए, जैसे कि आपके पास डॉलर की कमी हो जाए और आपको यूएस के साथ ट्रेड करना है, इंडिया को यूएस के साथ ट्रेड करना है और डॉलर की कमी हो जाए, तो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों स्वैप कर लेंगे और यूएस वाले भी जो ट्रेड करेंगे वो रुपी में करेंगे और इंडिया वाले भी रुपी में करेंगे। ओके, तो इसलिए यहाँ पे इस तरीके का काम किया जाता है। करेंसी स्वैप अगर देखें तो ये बायलेटरल हो भी सकता है या मल्टीलेटरल भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ दो ही कंट्री के बीच में होगी, दो से ज़्यादा कंट्री के बीच में भी हो सकती है। ओके, सो गाइज़ आज हम लोग यहीं पे रखते हैं। 8 क्वेश्चन काफ़ी है क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा है। मेरा यहाँ पे मोटिव होता है कि मैं आपकी सिर्फ 10 से 15 मिनट्स तक का टाइम लूँ, क्योंकि उससे ज़्यादा मैं आपके नहीं लेना चाहती हूँ, क्योंकि अभी आपका बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है। ओके, तो आज के लिए बस इतनी ही। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग रेस्ट ऑफ द क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, और अगर आपको अच्छा लगा लेसन तो लाइक कीजिएगा, और 8 क्वेश्चन में से आपको कितने मार्क्स आए ज़रूर मेरे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, और अगर आपको कोई भी डाउट कोई सजेशन है तो कमेंट कीजिएगा, और इस PDF को ज़रूर डाउनलोड कर लीजिए। मैं इसको रिसोर्स पॉइंट के नाम से जो मेरी टेलीग्राम चैनल है उस पर मैं अपलोड कर दूँगी। सो थैंक यू।